इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक को इंग्लैंड टीम की टेस्ट कप्तानी सौंप दी गई है और इसी की खुशी में शायद उनका बल्ला ऐसा चला कि सब देखते रह गए। दरअसल आपको बता दें कि काउंटी क्रिकेट में डरहम की तरफ से खेलते हुए बेन स्टोक ने वॉस्टरशायर के खिलाफ 64 गेंदों में सेंचुरी बनाई और इसी के साथ साथ एक ओवर में 5 छक्के और 1 चौका लगाया और उन्होंने शतक भी इसी अंदाज में पूरा किया। आपको बता दें कि अपनी टीम के 117वें ओवर में उन्होंने 5 छक्के लगाए और आखिरी गेंद पर भी हवा में शॉट खेला, लेकिन रॉब से पहले ही गेंद गिरी जिसकी वजह से चौके में तब्दील हुआ और वह 6 छक्के लगाने से चूक गए। दरअसल गेंदबाज थे जोश बेकर और उनके ओवर में 34 रन जड़कर बेन स्टोक ने शतक पूरा किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कुल अपनी बल्लेबाजी के दौरान 88 गेंदों में 161 रन की पारी खेली। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 17 छक्के 8 चौके लगाए जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड है और इंग्लैंड की तरफ से उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। साथ ही साथ डरहम की पारी की बात करें तो पहली पारी में 580 रन 6 विकेट के नुकसान पर घोषित की गई और इसके बाद बेन स्टोक की तारीफ भी लोगों ने की और उनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगी। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में बेन स्टोक को इंग्लैंड टीम की टेस्ट कप्तानी दी गई है और साल 2013 में उन्होंने टीम के लिए टेस्ट में डेब्यू किया था। क्या कुछ राय है आपकी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।